What up everybody, it's your boy Danny Z, and back to the game with a new video, baby. मोंती भाई, मॉर्निंग। तो आज का क्या प्लान है? आज का जा रहे हैं मंदिर तक, थोड़ा हायर कट करेंगे। अच्छा, तो रात में चलेंगे? मैं तो जा रहा हूँ पहाड़ पे रहने के लिए, रात को देखेंगे। क्या डर तो नहीं है ना पहाड़ पर रहने में? नहीं, डर पक्का ना? चुड़ैल उड़ैल उड़ा के तो नहीं लेके जाएगी ना? नहीं, थोड़ा बारिश का है। थोड़ा बारिश है, बारिश में उड़ नहीं जाऊँ टेंट के साथ। बारिश आए तो थोड़ा। चलो आता हूँ मैं जरा शॉपिंग करके, ठीक है? क्योंकि आधा एक घंटा बाकी है, नहीं तो बंद हो जाएगा गोवा। चलो, ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू गेट सम स्टफ, मतलब रात के लिए कुछ सामान लेना है एंड लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, बिकॉज टुडे वी हैव प्लान्ड कि आज हम लोग ऊपर ट्रैक करेंगे एंड देन वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। एनी विच वेज, जो भी होगा, जैसे भी होगा, सब कुछ आप लोगों को देखने मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर मैंने कहीं पर एक जिम देखी थी गाइस, ऐसे कुछ के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। वैसे मैं आप लोग एक बात बता दूं कि दोबारा यहाँ पर आकर रहने में कुछ चीजें चेंज हो गई है। वेर रात में मच्छर नहीं काट रही है, जस्ट बिकॉज हम लोग विंडो ओपन ही नहीं करते ना पूरा दिन ना पूरी रात, तो वो एक अच्छी बात हो गई है, वो प्लस पॉइंट है। देन सेकंड, हम लोगों को पहले पार्किंग के लिए पूरा यहाँ से चल के बहुत आगे तक चल के हम लोग वहाँ पे जाना पड़ता, मगर अभी मैंने उन चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम लोगों ने ऊपर साइड पे यहाँ पर लाकर गाड़ी को पार्क किया है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होता है। 4-5 मिनट का वॉक करके जाओ, पहुंचो, गाड़ी में बैठो, स्टार्ट करो एंड निकल लो। ये भाई पेपर बोर्ड है, माथा दे दो एक किट गेट। ओके गाइस, सो फाइनली ब्रेकफास्ट डन, चौली की भाजी, पाव, ऑमलेट, पाव, चाय, सब कुछ खा के हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। पेट तो बढ़ ही जा रहा है, क्या करेंगे इसका। बट एनीवेज, आज पता नहीं हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आई एम एक्चुअली वेरी 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 मच एक्साइटेड गाइस फॉर दिस ट्रैक। तो चलते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा और जो भी सामान है कलेक्ट करते हैं, जाते हैं। गाइस आई डोंट नो आप लोगों को ये मौसम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मगर मौसम देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लाइमेट गाइस, आज क्या आने वाला समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। कितना सही है, कितना गलत है, कितने टास्क मिलेंगे, कितने सारा क्या कुछ नहीं होगा, मगर हम लोग हार नहीं मानेंगे। चाहे भीगते हुए हम लोगों को बैठे रहना पड़े, हम लोग भीग कर बैठेंगे, मगर हमारा टास्क कंप्लीट करेंगे गाइस एंड विल मेक श्योर दैट वी बी अलाइव टू टुमारो मॉर्निंग। गाइस, सो आप लोग देख सकते हो, व्हाट अ बारिश। My dream to drive in rain is finally completing. Seriously guys, I am feeling like आज का cancel हो जाएगा, because हम लोगों को एटलीस्ट सूखा चाहिए जो टाइम हम लोग ऊपर चढ़े, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर चढ़ना इट्स नॉट दैट ईजी। So guys, almost क्या हो चुका है अपने साथ यार, अपने को स्टे करने का था पहाड़ों पर, टेंट लगाना था वहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली बारिश इतनी ज्यादा स्टार्ट हो गई, आप लोग देख सकते हो ये पूरा, ये देखो मैं यहीं फंस कर रह गया हूँ, ना जा सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ना कहीं और जा सकता हूँ, बिकॉज इट्स लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, कोई है भी नहीं। फात को ही फ़ोन किया था, बोला कि छतरी लेकर आ पाए, आई डोंट नो कितना टाइम तक बैठ रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए एंड ऐसा कुछ लग रहा है कि आई हैव टू स्पेंड माई डे इन अ कार एंड आई डोंट नो। अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत खाने के लिए पहले ही ले लिया था, आई एम लकी, मगर एक चीज़ है, पानी नहीं है, पानी ऊपर है, यहाँ से ऐसा निकल गया जब अपने पानी पहले पीना पड़ेगा अपने को, पानी मुंह पे भी लग जाता है, देखो ना पानी पीने भी नहीं आता अपने को। और लेट्स सी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बंटा, देखो तुम लोग जी दिश, इससे तो समझ में आ रहा होगा कि बाहर कितनी बारिश हो रही है एंड बाकी तो मैं स्टोरी डालता रहूंगा, तुम लोग समझते रहोगे। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों के लिए एक रैप नहीं कव्वाली गाना, तो हम दिल दे चुके सनम, मैं रील बनो तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया। सो गाइज, ऑलमोस्ट 4 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद फिर भी इतना कुछ मैंने बचा लिया है। ओके, आई डोंट नो आज हम लोग ऊपर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कार में काफी टाइम स्पेंड किया है मैंने यार। तुम लोगों को चाहिए क्या कुछ बताओ भाई? 2 फ्रूटी का गिव अवे है, ओडोमॉस का भी गिव अवे करेगा, सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गिव अवे ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ जल्दी जल्दी।
क्लीन गोवा ग्रीन गोवा एंड वहाँ पे कहीं पे हनी बात ऐसा लग रहा है ये गोवा से मेरे लिए बना है। एंड एक्चुअली जो हम लोग करने वाले थे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोगों का टेंट लगने वाला है या था जो भी है वो इधर लगने वाला है, इधर 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 टॉप पे। बट अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं, सिचुएशन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हीरो बनने की जरूरत नहीं है अपने को, बिकॉज जान है तो जहान है। और बारिश शुरू हो गई है, इससे पहले की बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो हम लोगों को यहाँ से वट लेना चाहिए। सो फिर से आना पड़ा गाड़ी के पास, बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है बिकॉज यहाँ से हम लोगों को निकालना है कुछ सामान। और ये अपनी नई पार्किंग लगेगी, ये हम लोगों ने बहुत सारा सामान लिया गाइस, तबीयत खराब हो गई तो ये सब मेडिसिन कहीं ये सब कहीं रुकना पड़ा, मतलब आदिवासी लोगों की तरह तो अपना बनाने के कुछ तो होना चाहिए। मिनी स्टूडियो हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों के साथ ये रहा अपना टेंट, सब कुछ हो। दो टेंट हम लोग बस, एक ये और एक यहाँ पर, और एक राशन वाशन भी है। दिखाओ तुम लोग, देखो आलू वालू सब लेकर चल रहे हैं हम लोग, आलू प्याज। आज हो सकता है अपने को शूट की जरूरत पड़े ट्रैक में। ये हमारी बैग टैंक बैग, इसमें बहुत सारा सामान है जो क्या क्या बातें बताऊंगा। ये थोड़ा टाइम पास करने के लिए सेंसेशन लाइफ, ये अपना टेंट, मोंटी भाई बाय बाय, थोड़ा साथ देने के लिए आएगा, टेंट इंस्टॉल करे तक उसके बाद ये मेरे को छोड़कर चला जाएगा, बिना टाइम इसके चलता हूँ। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट देख सकते हो कल की हालत क्या थी और आज क्या हो गई है। जस्ट बिकॉज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बारिश थी, मैंने सोचा था कि नहीं चढ़ पाऊंगा ऊपर, पर आज ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आई मीन ओवरनाइट स्टे भी नहीं कर पाएंगे, मगर थैंक गॉड कि बारिश रुक गई, हम लोगों को ऊपर आने का मौका मिल गया। बारिश नहीं होने का रीजन मतलब मैं नहीं चाहता था कि बारिश हो, जस्ट बिकॉज अपने भाई का फोन कॉल हो चुका है। ठीक है, चेरी नहीं, चेरी नहीं है, बेरीज 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 भी नहीं है। बारिश आने की वजह से गाइस पूरा ये पूरा अजीब हो गया ये रास्ता, अबे वहाँ कसम बस स्लिपरी हो गया, अबे संभाल के संभाल के, इधर गिरेगा तो सीधा नीचे। गाइस ऊपर आके बात करते हैं, बहुत डर लग रही है। तो वही जितना इजी है लगा उतना इजी है था नहीं, आई होप ये हालत देख के समझ सकते हो। फिलहाल हम लोगों ने अचीव कर लिया हमारा पैशन, एंड यू वी आर देख सकते हो। अब बहुत मच्छर है यहाँ पर, इससे पहले फिर अपने को ज्यादा अटैक करने लगे, ओडोमॉस निकालते हैं, इन लोगों की भी एड भगाते हैं। आज क्या लग रहा है, मतलब कैसा व्यू होने वाला है रात में, क्या होने वाला है, नो वन नोस। इट्स ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 6:28। टेंट की मजबूती के लिए यूजुअली मैं कभी इसको लगाता नहीं हूँ जल्दी, मगर इस बार इसके लिए लगा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा के चांसेस है, ठीक है, उड़ नहीं जाए। इसके लिए ऊपर से देखिए मच्छर ज्यादा टाइट नहीं मारेंगे, बिकॉज उसको भी सांस लेना होना चाहिए। ये मच्छर लोग एक्चुअली देख रहे मेरे को, एक नया मेहमान आया आज, इसको खाएंगे हम लोग, मैं इनको पता नहीं मैं ओडोमॉस लेके आया हूँ। आई होप मैंने अपना बेस्ट तो किया इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। तो ऐसे तुम लोग सोचो मत कि मैं यहाँ पे कोई बॉन फायर करके चूल्हा उला जला के कोई स्पेशल खाना ना बना के तुम लोगों को खिलाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मैंने मेरा डिनर कर लिया जितना सफिशियंटली करना चाहिए था। आई जस्ट प्रे कि मुझे पॉटी नहीं है, अगर सुशु आएगी चलेगा, हम कहीं भी पानी दे देंगे। पॉटी आई तो क्या लगता है तुम लोगों को लगता क्या बताऊं मुझे, मेरे को इधर बैठ के करना चाहिए, दिस इज ऑप्शन वन, ए दिस इज ऑप्शन टू, बी दिस इज ऑप्शन थ्री, सी इधर बैठ के करने में एक चीज अच्छी है कि ड्रेनेज का सिस्टम बहुत भारी है, सीधा नीचे टुपो, मगर यहाँ पानी कहाँ से लाऊं, मेरे को इतना नीचे लोटा फेंकना पड़ेगा। पॉटी के टाइम पे क्या करेंगे, ऑप्शन ए बी सी, सी फहद बोल रहा है सी, आ जा पहले तेरे पे ट्राई करते चला। हाँ, ओके। सो बाय बाय फहू भाई, जा रहे हैं, फहू भाई को छोड़ के आते थोड़ा, फिर अपना टेंट अपना ही है। अगर तुम छोड़ने आए मेरे को और टेंट में कोई चला गया था, अच्छी बात है ना, हाथ में कोई तो रहेगा साथ में। मैं आज पूरी रात सोऊंगा नहीं, ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम जागा रहूं, आप लोगों को बताता रहूं क्या हो क्या नहीं हो। फहद को अभी भेजना पड़ रहा है इसके लिए, बिकॉज हम लोग अभी काफी ऊपर है गाइस, आप लोग देख सकते हो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाय, वाव वेव्स देखो गाइस क्या दिख रही है, मतलब जब मैं छोटा था तो समझता था कि जो वेव्स होती है वो समंदर से आती है, मगर एक्चुअली समंदर में सिर्फ पानी आता है और वो हवा की वजह से यहाँ पे किनारों पे ये टाइड्स बनती है और ये वेव्स ऐसी हो जाती है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है अपनी ट्रैक का, बहुत सारा पार्ट है। भगवान जी प्लीज सेव मी एंड मेक श्योर कि यहाँ से मैं जिंदा वापस लौटूं, ऐसे कुछ ब्यूटी। हाँ एक्चुअली वो वाला सन नहीं लग रहा है जो हमेशा से मैं इतने से आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाते आ रहा हूँ, बट जो भी है फिलहाल थोड़ी सी सेटअप करते हैं। ओके, सो अपना टेंट रेडी, खाना मैंने बाहर ही रखा है, खाने में क्या कुछ ज्यादा नहीं है, ऑल लिक्विड आइटम्स ये, बिकॉज मेरा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, वाटर फॉर डिहाइड्रेशन। एंड गाइस आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये क्या है मुझे बताइए प्लीज, आई होप बारिश ना आ जाए इससे पहले कि मैं वहां पे जाके एक पिक लेना चाहता हूँ। अभी याद आया मुझे इंद्रधनुष जितना रिस्क लो लाइफ में इतनी ज्यादा ब्यूटी आप लोगों को दिखेगी, तो दिस इज समथिंग राइट हियर। नाउ आई एम फीलिंग लाइक मेरे को एक एफपीवी ले लेना चाहिए एंड आई शुड स्टार्ट यूजिंग एन एफपीवी। कहाँ से भाई, नेपाल, नेपाल में कहाँ से, काठमांडू, मैं मुंबई से, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रही है
एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एंजॉय करने के अलावा. That's it. इधर कीड़े बहुत सारे. ये क्या है कीड़ा में समझ में नहीं आ रहा है. तुम लोग अगर मालूम है तो कमेंट करके बताओ. ये हमारा महल. तो अभी ये रात में आग जलाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे इंतजाम किया है गरीबों वाला मैंने. आई होप अभी तो बारिश ना हो. आग जलाने के लिए सोच रहा हूँ. सो थोड़ी सी आग अभी जला लेता हूँ बिकॉज आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको जलने में. और मेरे पास पेपर भी बहुत कम है. अगर थोड़ी सी भी आग पकड़ ली तो फटाक से जाके मैं और लकड़ियाँ लेकर आऊंगा बिकॉज यहाँ पे आग की बहुत जरूरत है. आग की जरूरत डर लग रहा है इसके लिए नहीं गई. यहाँ पे बहुत ज्यादा कीड़े. मैं चाहता हूँ यहाँ पर धुआं जाए कीड़े कम हो जाए. आई होप कि ये जले जब तक मैं थोड़ी सी लकड़ी ढूंढ गया था. अंधेरा हो जाए इससे पहले. लकड़ी ढूंढने गया था पर लकड़ा ही मिल जा रहा है. ऐसे तो मजा आ रहा है. अरे यार आग बुझ गई है इधर. ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे को लग रहा है. इससे तो पूरा टेंट ही जल जाएगा मेरा. इसके से थोड़ा दूर रखता हूँ. थोड़ा सा और पेपर डालता हूँ फिर देखेंगे. ट्राई टू. तो गाइज मैंने मेरा तोड़ दिया है. तो गाइज मैंने मेरा ये लाइटर तोड़ दिया है बिकॉज मेरे को मालूम था ऐसी सिचुएशन आ सकती है. इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लाइटर और माचिस भी कैरी की है मैंने कि मैं चाहता हूँ कि ये पिघले और इसके वजह से आग लग जाए इसमें. सो लेट्स सी जो हम लोगों ने सोचा है वो पॉसिबल होता है नहीं होता है. तो ये हम लोगों ने आग इधर लगा दी है. यहाँ पे भी लगा दी है. अभी यहाँ पे थोड़े बहुत जो लोग हैं वो भी कुछ देर बाद कम हो जाएंगे बिकॉज रात हो रही है. एंड इसके बाद बचेंगे सिर्फ हम. यहाँ के कुछ कीड़े हैं जो देखना रात में मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ. ये जा रही है उसके पास. ये बस जला दे उसको भाई. पेट्रोल है थोड़ा सा उड़ सकता है. इसमें आग पकड़ना चाहिए मेरे हिसाब से. पेट्रोल है जल जा भाई जल जा जल जा. ओहो जैसे मैंने बोला था तुम लोगों ने आवाज सुनी यहाँ पे कि क्या हुआ. आई होप अब इसके फटने की वजह से यहाँ पे कुछ तो होगा. मधुमक्खी भी आ गई है. एड़ भगा रही है. लड़ रही है मेरे से. मार रही है मेरे को. बुझ गई. तो गाइस आग नहीं जली तो क्या हो गया. मैं अभी तक हरा नहीं हूँ. मतलब यहाँ पे जो हम लोग की आग अभी तक नहीं जली फिर भी मैं हरा नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास ओडोमॉस है. मैं अपने बॉडी में पूरा ओडोमॉस लगा के यहाँ पर रहूंगा. मगर रहूंगा जरूर. बहुत सारी चीज हो चुकी है. कीड़े दिख गए. मच्छरों ने काटा. कीड़ों ने काटा. मूंगियों ने काटा. मधुमक्खी ने अटैक किया. आग नहीं जली बट स्टिल थोड़ा सा रात होने दो फिर मिलते हैं. अभी तो शायद लो लाइट हो गई है. दिखना भी बंद हो गया है. बट एनी चॉइस अगेन वी केम अप विद द न्यू थिंग. और एक्चुअली बता दूं यहाँ पे कुछ मधुमक्खी है जो मेरे से ऑलरेडी पंगा ले चुकी है. बहुत अटैक भी कर रही है मुझे यहाँ पे आग जला रहा हूँ तब. पता नहीं यहाँ पे तो कुछ है नहीं. एकदम ओपन में मैं जला रहा हूँ. मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं है. बट वो लोग पर्पसली मुझ पर हमला कर रहे हैं. तो क्या करूँ मैं. मर जाऊँ फिर से बेशर्मों की तरह. अटेम्प्ट टू. अभी मैंने फिर से आग लगा दी गाइस. अरे यार अब ऐसे टाइम पे जब आग थोड़ी सी जलने लगी है तो बारिश आने लग गई. सीरियसली मतलब ये क्या हो रहा है ये. ओहो कुछ नहीं हो रहा है ये. रोज मैं इसको नीचे से कैप्चर करता था और आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाता था. आज मैं इसको ऊपर से कैप्चर कर रहा हूँ. ये भाई आज लगता है आग नहीं जल पाई भाई. मैं हार गया हुआ है. लाइटर बर्बाद कर दिया. पेट्रोल डाल दिया. सब कुछ कर दिया पर फेल. अब रात में अपने साथ क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा. मैं इससे ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज रात के लिए भी थोड़ा पेपर रखना है. तो अभी इनकेस ऑफ एन इमरजेंसी लगेगा तो फिर. तो गाइस बाहर एक मच्छर मुझे परेशान कर रहा था इस वजह से मैं अंदर आके बैठ गया बिकॉज अभी देखो दिखेगा थोड़ी देर में. बार बार इधर घूम रहा है यहाँ पे कि मेरे को अंदर ले ले मगर मैं उसको अंदर आने नहीं दूँ. बहुत अटैक किया इन लोगों ने मेरे को. बहुत मारा है भाई. बहुत मारा. वैसे तो अपने प्रिपरेशन है बहुत सारी चीजें. जो जरूरत आने पर जला डालू. एक अंदर है आ गया. ओके गाइस सो ऑलमोस्ट शाम के 7:30 और अपने टेंट में से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है ये बाहर का. अंदर इसके लिए आना पड़ा बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा कीड़े है. अभी मैंने कितने लोगों की तो समाधि इधर ही बनाई थी और दफन भी कर दिया. पता नहीं पूरी रात आज क्या होगा क्या नहीं होगा. वैसे इतना इजी नहीं लग रहा है. फोन है लाइट है मगर गर्मी भी बहुत है. तो हल्की सी बारिश है मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी जोर से हो बारिश बिकॉज अगर हल्की सी बारिश रहेगी तो हवा नहीं आएगी और वेंटिलेशन नहीं होगा तो रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे. और थोड़ी सी बारिश होगी तो हवा चलेगी. हवा चलेगी तो सुकून लगेगा. टास्क है करना तो पड़ेगा. वैसे कितने लोगों ने पोल में येस और नो बोला था. चलो दोनों आईडी पे डाला था. एक्चुअली मैंने दोनों आईडी पे चेक कर लेता हूँ. तो यहाँ पे 92% लोगों ने बोला है येस और 8% लोगों ने बोला है नो. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट इन मच्छर काटिंग मी. सो गाइस ऑलमोस्ट सब भीग चुका है यहाँ पे. सो गाइस ये खलफान का कॉल आ रहा है मुझे. क्या बोलते हैं हैशटैग. अच्छा अच्छा ये व्लॉगिंग चालू है. ए हैशटैग की कॉर्बे. थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू है मगर अभी क्या है ऑडियंस ने बोला यस जाओ जाओ करो तो कर रहे मगर मजा आ रहा है. ये पानी समझ में नहीं आ रहा ये क्या सीन है. बाहर इतनी बारिश है मगर फिर भी अंदर इतना गर्म हो रहा है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ कितना गर्म हो रहा है. बाहर तो अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है. तुम लोगों में क्या दिखाओ अभी समझ में नहीं आ रहा है. देख रहे देख सकते हो पानी टप 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 टप. ऑलराइट गाइस सो ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं अभी. मतलब रात शुरू भी नहीं हुई है प्रॉपर्ली. एंड जब से मैं यहाँ पे आया था बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे अंदर अरेंज की सब कुछ किया. एक्चुअली ऐसा हो गया कि कुछ छोटे छोटे मच्छर अटैक करने लगे थे. अभी तो बारिश हो गई इस वजह से लोग चले गए. आप लोग देख सकते हो पूरा कितना पसीना पसीना हो गया. पेट भर रहे देखो
देखो कीड़े हर जगह पे, बहुत परेशान कर रहे हैं यार, एंड बहुत ही हालत खराब करके रखी है इन लोगों ने मेरी यहाँ पे। देखो बहुत कुछ सोचा था मगर गॉन, इतना इजी नहीं है यहाँ पे अकेले ट्रैक करना और फिर सब कुछ चीजें सेटअप करना एंड देन उसके बाद आकर यहाँ पे स्टे करना और फिर बाद में इन कीड़ों से भी लड़ना, तो गलती हो गई थोड़ी सी। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कंदील बलोच के 7 से 8 पेजेस पढ़ लिए और ऐसे टाइम पे एक्चुअली कंदील बलोच की स्टोरी भी थोड़ी सी ड्रामेटिक लग रही है। मैंने एक्चुअली गलत बुक चूज की कि यहाँ पे आके मुझे उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए था, अब माइंड थोड़ा सा उन चीजों पर जा रहा है और देखते हैं यार कब बाहर जाने मिलेगा। ये लोग बहुत अटैकिंग मोड पे, ओके, जस्ट बिकॉज ये पूरा एम्प्टी है। मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया यहाँ पर आकर ये सब चीजें करने का। शर्ट भी देखो पूरी भीग गई है। एक्चुअली यहाँ पे जब बारिश हो रही थी तो पूरा पानी 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 यहाँ से आ रहा था और इवन यहाँ से भी पानी आ रहा था मगर ये यहाँ से नहीं आ रहा था, यहाँ से आ रहा था क्योंकि मैंने ये ओपन रखा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे फेस पे। सो थोड़ी सी आग तो लग गई थी बट एनीवेज अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, एक घंटा थोड़ा और वेट करना पड़ेगा एंड देन इट विल बी सनराइज। ओके गाइस सो फाइनली गुड मॉर्निंग एंड क्या बोलूं, कुछ कर नहीं पाया पूरी रात बिकॉज कीड़ों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। सच बोल दो पूरी रात सोया नहीं हूं, आप लोग समझ सकते हो। सोचा था रात में बहुत ज्यादा बारिश होगी मगर नहीं हुई एंड कहीं ना कहीं अच्छा भी है नहीं हुई क्योंकि जब थोड़ी सी बारिश हो रही थी उससे भी मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी तुम लोगों से बात करने के लिए जब मैं उस टेंट से बाहर निकल कर आया हूँ, यू वोंट बिलीव, वहाँ पे अंदर इतना अंधेरा था, अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है कि मैंने पैंट्स तक की उल्टी पहनी है। ठीक है, आई डोंट नो कब जाऊंगा नीचे मैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6 AM और अभी जो सब सो रहे होंगे। ओके गाइस सो ऑलमोस्ट इट्स टाइम फॉर अस टू मूव। रात में मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना भूल गया, मिट्टी का प्राइस चेक किया गया तुम लोगों ने। सो गाइस अनइंस्टॉलेशन चालू है मगर अनइंस्टॉलेशन देखते देखते वी गॉट टू सी दिस, अब वसूल हुआ है कुछ। इतना देर रुकना, मच्छर से कटवाना और मुझे ऐसा लग रहा था इट वॉज कम्प्लीट वेस्ट मगर फाइनली थैंक यू पीस। एंड गाइस बहुत देर से देखने के बाद हम लोगों ने साइंटिस्ट से इंक्वायर करने के बाद पता चला है कि इसके बाजू में एक रेनबो और है, ये डबल रेनबो है, ये देख सकते हो आप लोग, ये जा रहा है। आई डोंट नो, कैमरा एक्चुअली जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस चीज के लिए मगर यहाँ पे एक और एक रेनबो है लाइट जो शायद कैमरा में नहीं दिख रहा मगर है, अगर मुझ पर बिलीव करते हो तो है, नहीं बिलीव करते हो तो नहीं है। जूम करके देखो, हाँ देखो देखो अभी शायद तुम लोगों को दिखेगा, ये आला देखो बहुत लाइट लग रहा है मगर क्या प्यारा लग रहा है। सो चलो फटाफट पैक करते हैं आज के बस इतने टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फैमिली फॉरएवर, गुड नाइट। सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सो वही फैम ब्रो, व्हाट्स अप फैम ब्रो। सो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने मजा आ रही होगी और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, बाय फैम ब्रो।